बीजेपी के अधिकांश लोगों की दुकान, राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाकर, उनके खिलाफ पूरी बकवास करके, उनके खिलाफ जहर उगल कर ही चलती है। इनमें से अधिकांश की उपयोगिता ही ये है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैला सके, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर सके, उनके खिलाफ झूठी बातें कर सके। तो कंगना रणावत जैसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जननायक है, वो लोगों के दिल में बसते हैं, हर उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर उनकी जरूरत है। वो न्याय और सत्य के योद्धा है और न्याय और लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह नीति रही है कि किसी झूठी बात को इतनी बार बोला जाए और इतनी परिपक्वता से बोला जाए कि वह सच साबित हो जाए। इसी कर्तव्य पथ को स्वीकार करते हुए बीजेपी की आईटी सेल पिछले वर्षों में भी ऐसे कार्य करती रही है और आगे भी इसी पथ पर चल रही है। हाल ही के दिनों में उसने एक वीडियो वायरल किया जो दिखाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से एक युवक गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो बीजेपी की आईटी सेल के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। सच्चाई किसी और ने नहीं बताई, सच्चाई राहुल गांधी ने नहीं बताई, सच्चाई आप स्वयं देखिए कि किस तरह से बताया गया उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति की वीडियो लगा करके बीजेपी आईटी सेल बता रहा था कि वह राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के अधिकांश लोगों की दुकान, राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाकर, उनके खिलाफ पूरी बकवास करके, उनके खिलाफ जहर उगल कर ही चलती है। इनमें से अधिकांश की उपयोगिता ही ये है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैला सके, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर सके, उनके खिलाफ झूठी बातें कर सके। इनमें से अधिकांश तो यही सोचकर फुदकते रहते हैं कि पार्टी में आगे बढ़ने का और नरेंद्र मोदी से शाबाशी पाने का इससे आसान रास्ता दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए तो इनमें से ज्यादातर न कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, न प्रवक्ता बनना चाहते हैं, न किसी पद पे रहना चाहते हैं, न सांसद न मंत्री, ये ट्रोल बनकर ज्यादा खुश है। लेकिन ये तीन बातें भूल जाते हैं। पहली कि राहुल गांधी को आप जैसी मूल बुद्धियों से तनिक भर फर्क नहीं पड़ता है, आप जबरदस्ती भौंक भौंक कर अपनी एनर्जी जाया करते हैं। दूसरी बात कि जनता सही समय पर हर नफरती चिंटू का, हर बददिमाग का दिमाग दुरुस्त जरूर करती है। और तीसरी बात, आपका काम कोरी बकवास करना है और काम होते ही आपको दूध की मक्खी की तरह से निकाल फेंक दिया जाएगा। जिस किसी को भी जरा सा संशय है वो एक बार स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, बड़ी लंबी लिस्ट है, उनकी तरफ देख ले। तो कंगना रणावत जैसे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जननायक है, वो लोगों के दिल में बसते हैं, हर उस जगह पे मौजूद है जहां पर उनकी जरूरत है। वो न्याय और सत्य के योद्धा है और न्याय और लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैडम उनके खिलाफ आग नहीं उगलेंगी, उनके खिलाफ जहर नहीं बोलेंगी, तो इनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगी। लेकिन मुझे तरस आता है, इस देश के तीन राज्य केरल, हिमाचल, उत्तराखंड गंभीर आपदाओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के भक्तों की और कंगना जैसे नाकारे सांसदों की प्राथमिकता राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने में है। मैं तो ईश्वर से आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ। वो केरला का एक सोशल मीडिया चैनल है ना, वो फेक है। आपका साथ मैं प्रॉब्लम नहीं, आप मेरा एमपी है, मेरे को मालूम है मेरे को क्या क्या चाहिए ना, आप मेरे को करेंगे, मेरे को मालूम है। वो दो दिन का वो कल है ना, वो कल टाउन में वो थोड़ा प्रॉब्लम है वो टाउन में, वो पूरा वीडियो वो यार आपको उधर का आदमी है ना, कांग्रेस का आदमी है ना, उसको मैं दिएगा पूरा वीडियो, आप पक्का एक देखो, डेंजरस है वो, आप देखो वीडियो देखो। वो टाइम में पुलिस के पास ये गलत पता नहीं है, मैं देखेगा आप गाड़ी के बाहर आएगा वो डोर ओपन वो पुलिस बंद करे ना, आपको बाहर चाहिए वो पुलिस को, आप बाहर नहीं चाहिए, पता नहीं हो क्या है आपको, पब्लिसिटी बहुत आएगा वो उसको नहीं चाहिए, वो इधर के पुलिस को वो नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम है। सर आपको साथ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा एमपी, एमपी नहीं है लाइक फैमिली मेंबर्स है ना, आप मेरे को पूरा आदमी पब्लिसिटी को बहुत करेगा, आप पब्लिसिटी के नहीं। अब दो दिन के पहले वो मस्जिद के साथ वो मेरा अंकल है, वो मामा का ब्रदर है, वो मैं मेरे को बोला वो राहुल गांधी आएगा दो दिन के बाद में, वो चार दिन का वो आपको क्या क्या चाहिए पूरा रेडी करेगा, 100 कर दिएगा वो पूरा। वो मेरे को बोला, वो साथ में एक बोला और कैमरा मैन के बोला
अब बाहर जाओ, मेरे को फोटो ऐसे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आप ऐसे बोलेगा, आप जेन्युइन पर्सन है सर, आप जेन्युइन पर्सन है। मैं इंडियन है, इंडिया का एक मेंबर, मैं बोलेगा आप जेन्युइन, आप नॉट क्या बोलेगा, आपको एक्टिंग मान नहीं, आप जेन्युइन पर्सन है, आपके साथ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको एनी टेंशन मेरे साथ में मेरे साइड में आया ना, रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, लव यू सर। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा साफ दर्शाया जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा उसका वीडियो गलत तरीके से वायरल करवाया गया और जो बात उसने कही भी नहीं उसको पूरा पलट दिया गया। तो उसने अपनी बात को रखा और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब इस वीडियो को कई लोग शेयर कर रहे हैं और ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस बात को कैसे देखते हैं कि किसी भी एक बात को कैसे बीजेपी की आईटी सेल तोड़ मरोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत कर देती है, फैक्ट को पूरी तरीके से घुमा के आपके सामने रख देती है जिससे आपको लगता है कि कहा कुछ और गया है और सुनाई कुछ और जा रहा है। इस बात को लोग समझते नहीं और उन चीजों को अलग तरीके से वायरल करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने भी यह वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने एक्सपर्ट बताते हुए कहा कि किस तरह से बीजेपी आईटी सेल के द्वारा गलत प्रोपोगंडा देश के ऊपर थोपा जा रहा है और गलत चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उस व्यक्ति को जो उसने खुद वीडियो वायरल की वह वीडियो भी शेयर की, आपने वीडियो देखिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या गलत चीजों को इस तरह से लोगों को प्रमोट करना चाहिए या इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद, जय हिंद जय भारत।